नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिफ्रैक्टरीज के बारे में बतलाएंगे। तो रिफ्रैक्टरीज क्या है कि वह मटेरियल होता है जो आपका हीट, प्रेशर और केमिकल अटैक के द्वारा ना तो डिकम्पोज होगा, रेजिस्टेंट होगा, उसका विरोध करेगा, साथ ही साथ रिटेन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। यह अपनी क्षमता को प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ यह अपना उच्च ताप पर बनाए रखता है, जिसे रिफ्रैक्टरी कहते हैं। कहता कि ये मटेरियल दैट इज रेजिस्टेंस टू डिकम्पोजिशन बाय हीट, प्रेशर और केमिकल अटैक एंड दैट रिटेन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरीज। कहता कि वह पदार्थ जो उष्मा द्वारा, प्रेशर द्वारा और रासायनिक अटैक के द्वारा डिकम्पोजिशन का रेजिस्टेंट करता है, विरोध करता है, साथ ही साथ रिटेन स्ट्रेंथ एंड फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, साथ ही साथ कहता है कि यह उच्च ताप पर बनता है तथा अपनी प्रबलता को बनाए रखती है, उसे रिफ्रैक्टरी कहा जाता है। तो रिफ्रैक्टरी जो होते हैं आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक पोरस एंड हेट्रोजीनियस। कहता है कि रिफ्रैक्टरी जो होता है अकार्बनिक होती है, नॉन मेटेलिक होती है, साथ ही साथ छिद्रयुक्त और हेट्रोजीनियस यानी कि विजातीय होती है। दे आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स, यह सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जर्कोनियम के ऑक्साइड से बना होता है। कहता रिफ्रैक्टरी इन ऑर्गेनिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, पोरस होते हैं, साथ ही हेट्रोजीनियस होते हैं और यह ऑक्साइड ऑफ मेटल के कंपोज से बना होता है, जैसे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जर्कोनियम। इसके दो इम्पोर्टेंस आप लोगों को रिफ्रैक्टरी में पढ़ना है, पहला फायर क्ले रिफ्रैक्टरी, दूसरे का सिलिका ब्रिक रिफ्रैक्टरी। यह हम लोग बारी बारी से आपको बतला रहे हैं, इसको नोट्स करिए। अब आप देख सकते हो फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज किया है। तो फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज में मेन कंस्टिट्यूएंट दो होते हैं, एक सिलिका, दूसरा एलुमिना। एलुमिना एल्युमिनियम के ओर्स होते हैं, बॉक्साइट एक तरह से हम कह सकते हैं। जो इसमें सिलिका जो होती है 60-70% होती है, जबकि एलुमिना 25-35% तक होती है। अब जिसमें दूसरा अदर जो कंस्टिट्यूएंट हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, टाइटेनियम के ऑक्साइड उपस्थित रहते हैं, जो अधिक से अधिक 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फायर ब्रिक्स जो होते हैं स्पेशल प्रकार के ब्रिक्स होते हैं, जो आपका फायर क्ले से के उपयोग के द्वारा बने हैं, जिसका गुड रेजिस्टेंस होता है हाई टेम्परेचर पर, जिसका उपयोग क्लिंक्स में, लाइनिंग फर्नेस में, फायर प्लेसेज और फायर बॉक्सेज में किया जाता है। तो देख लो फायर क्ले ब्रिक्स के रिफ्रैक्टरी या ब्रिक्स क्या है। तो कहता है कि फायर क्ले रिफ्रैक्टरी कंटेन टू मेजर कंस्टिट्यूएंट्स सिलिका एंड एलुमिना, ऑफ विच जिसमें सिलिका परसेंटेज वैरीज फ्रॉम 60-70% एंड एलुमिना वैरीज फ्रॉम 25-35%। फायर क्ले रिफ्रैक्टरी में दो मुख्य मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो जिसमें सिलिका और एलुमिना होते हैं, जिसमें सिलिका की परसेंटेज 60-70% तथा एलुमिना की परसेंटेज 25-35% तक वैरीज बदलती रहती है। सब अदर कंस्टिट्यूएंट लाइक ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम एंड टाइटेनियम आर आल्सो प्रेजेंट इन फायर क्ले में। दिस द परसेंटेज ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट डज नॉट एक्सीड 5% इन द केस ऑफ गुड फायर क्ले। अच्छे फायर क्ले में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, टाइटेनियम का ऑक्साइड 5% से ज्यादा नहीं पाई जाती है।
साथ में फायर क्ले ब्रिक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स होता है मेड यूजिंग फायर क्ले एंड हैज गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर विच आर यूज्ड इन क्लिन लाइनिंग फर्नेस फायर प्लेसेज एंड फायर बॉक्सेज। कहता है कि फायर ब्रिक्स जो है स्पेशल प्रकार के ब्रिक्स होते हैं जिसका बनाया गया है फायर क्ले के लिए, साथ में यह गुड रेजिस्टेंस होता है उस टेम्परेचर ताप बढ़ने पर, और उसका उपयोग क्लिन्स में लाइनिंग फर्नेस में ब्लास्ट फर्नेस मल्टीपल हट फर्नेस सर्च में फायर प्लेसेज और फायर बॉक्सेज के रूप में किया जाता है। इसको नोट्स कर लो। अब आप देख सकते हो फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज का प्रॉपर्टीज। कहता है कि डिफरेंट साइज में पाई जाती है जिसका रेंज होता है 9x4.5x2.5 इंच से 9x2.75x2.25 इंच तक। यह हमारा विभिन्न साइज में पाया जाता है फायर रिफ्रैक्टरी जो हो गया, जिसमें आपका 9x4.5x2.5 इंच से 9x2.75x2.25 इंच तक आपका होती है यह आपकी भट्टी। वन जनरल फायर ब्रिक्स का वेट जो होगा अबाउट 30 से 35 न्यूटन। फायर ब्रिक्स का जो सिर्फ एक जनरल सामान फायर ब्रिक्स का जो भार होगा 30 से 35 न्यूटन तक होता है। साथ में थर्ड में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और फायर ब्रिक्स का फायर ब्रिक्स के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होंगे जिसका रेंज 200 से 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। साथ में परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन वेरीज फ्रॉम 5 से 10%। वाटर एब्जॉर्प्शन का जो प्रतिशत होती है यानी कि जल के अवशोषण का प्रतिशत 5 से 10% तक इसमें पाई जाती है। साथ में दे है गुड केमिकल रेजिस्टेंस, यह हमारा अच्छे रासायनिक प्रतिरोधक होता है। दे आर स्लाइटली एसिडिक, यह नेचर में एसिडिक होता है इसलिए यह अल्काली बेस से रिएक्शन करता है। बेस मैंने सोडा पोटास लाइम मैग्नेशिया आयरन ऑक्साइड इटीसी एट हाई टेम्परेचर। कहता है कि फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज या ब्रिक्स जो हो गए ये आपका स्लाइटली एसिडिक होते हैं जो क्षार से कंबाइंस करते हैं जिसमें सोडा पोटास लाइम मैग्नेशिया आयरन ऑक्साइड इत्यादि उस ताप पर यह क्षार से अभिक्रिया कर लेते हैं। यह आपका फायर क्ले रिफ्रैक्टरी का प्रॉपर्टीज हो गया। फाइव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, नोट्स कर लीजिए। अब दोस्तों आप लोग फायर क्ले ब्रिक्स का यूज देख सकते हो। फायर क्ले ब्रिक्स या रिफ्रैक्टरी का यूज फॉलोइंग पर्पस के लिए किया जाता है। सबसे पहला है कि दीज आर यूज फॉर इनर सरफेस लाइनिंग ऑफ क्लिन्स फर्नेसेज एंड चिमनीज इटीसी। तो सबसे पहले आपका पहला उपयोग इसका फायर क्ले का उपयोग है क्लिन्स के लाइनिंग के आंतरिक सतह को लाइनिंग करने में, भट्टियों के फर्नेस मैंने भट्टी चिमनियों के आंतरिक सतह को लाइनिंग करने में किया जाता है, जिसमें आपका ब्लास्ट फर्नेस आता है मल्टीपल हट फर्नेस आते हैं और बहुत सारी चिमनियां देख सकते हैं जो आपका हिट्स तैयार करती है उसमें इनर लाइनिंग ब्रिक्स करने में सरफेस को इनर सरफेस लाइनिंग करने में किया जाता है। दूसरा कहता है टू बिल्ड फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर देयर बाय रिड्यूसिंग द डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर अगेंस्ट फायर एक्सीडेंट। कहता है कि फायर एक्सीडेंट के विरोध में डैमेज को कम करने के लिए संरचना तैयार किया जाता है, इसलिए इसे फायर
रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर तैयार करने में फायर क्ले रिफ्रैक्टरी का यूज किया जाता है। थर्ड में आप देख सकते हो फॉर इनर लाइनिंग ऑफ वुड फायर्ड ओवन्स, जो वुड फायर्ड ओवन्स होते हैं उनको इनर लाइनिंग के लिए फायर क्ले ब्रिक्स का यूज किया जाता है, यानी कि जो भट्टी आपका लकड़ी से बना है उसके अंदर फायर क्ले ब्रिक्स लगा दी जाती है ताकि वह आपको जले नहीं। अगला आपका टॉपिक है फोर में, एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है फोर फर्नेसेज ओवेंस, भट्टियों और चूल्हों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में फायर क्ले ब्रिक्स का उपयोग किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर लोअर थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्यों किया जाता है फर्निश और भट्टी के इंसुलेटिंग मटेरियल्स के रूप में फायर क्ले का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि बिकॉज देयर लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी उष्मा चालकता जो होती है बहुत ही कम होती है, जिस कारण फायर क्ले रिफ्रैक्टरी का यूज हम फर्निस और ओवन्स में करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। इसको नोट्स करिए। दोस्तों हम लोगों ने आज रिफ्रैक्टरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, साथ में फायर क्ले रिफ्रैक्टरी के भी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आगे अगला बच गया सिलिका ब्रिक्स, जो कि अगले दिन बनाएंगे इसका वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कॉमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, ठीक है, धन्यवाद।